देना है मैदही, तू जानती है क्या है कि क्या लेना देना है? जब जानती नहीं तो मुझे रोकेगी? मैं जानता था तू कुछ नहीं जानती, जब जानती नहीं तो मुझे क्या रोकेगी? इस लड़की से डर रही है संजना, इस लड़की से। ये कुछ नहीं कर सकती, वक्त है अभी हमारे पास, परसों बात मिला हो इससे, हाल चाल तो पूछ लो। क्या पूछ लो संजना, इसका हाल तो पहले से ही बेहाल है। मेरे पास तो वक्त ही वक्त है, लेकिन इसके पास तो वक्त भी नहीं है, क्योंकि सूरज के उगते इसके हाथ से ये धागा, इसका ये रवर, इसका ये रक्षा कवच टूट जाएगा। इस दुनिया की होके रह जाएगी, आत्मा की इसी दुनिया में भटकती रह जाएगी, कुछ नहीं कर पाएगी। इतना गुरूर मत कर कालासुर, तुझे क्या लगता है तू ये लड़ाई जीत गया? नहीं, मैं नहीं हारी हूँ, ना ही हारूंगी। मैं रावण को यहाँ से लेकर जाऊंगी। आज भी वही ठीक ही कटा नजर से वार, हाँ? तो इस दुनिया में अकेली है, तेरी चारों तरफ दीवारें हैं, तेरे सामने मैं खड़ा हूँ, और तुझे लगता है कि तू मुझसे लड़ पाएगी? बता कैसे लड़ेगी? बस मैं मुझे छूना चाहती है, नहीं छू सकेगी। भूल गई तू कि तू मर चुकी है, यहाँ तेरा शरीर नहीं तेरी आत्मा है, और तेरे पास केवल 12 मिनट है। 12 मिनट के बाद सूर्योदय हो जाएगा, जितनी कोशिश करनी है कर ले। फाइनली वैदेही आ गई, हाँ वैदेही आ तो गई है, पहुंच गई है, और राघव से मिल, राघव को देख भी लिया है उसने, बट ऑब्वियसली इतनी आसानी से राघव मिलेगा नहीं उसे, क्योंकि हमारा जो स्पेल है, हमारा जो यहाँ पे हमने जो बनाया हुआ एक कवच, उसको पार नहीं कर सकती वो, तो वो उसको फिर से हार के वापस जाना ही पड़ेगा, और हमारी जीत होगी, हम लोग फिलहाल तो कामयाब हो गए हैं। हाँ डेफिनेटली ट्विस्ट तो है काफ़ी कुछ, क्योंकि राघव सब कुछ भूल चुका है, राघव वैदेही को भूल गया है, उसको मैं याद दिला रही हूँ कि मैं ही उसकी पत्नी थी, बट अभी कहीं ना कहीं उसको याद आने लग गया था, क्योंकि वो उसने कालासुर को देख लिया, लेकिन मैं बताने की कोशिश कर रही हूँ कि वो बाबा है, वो हमारी मदद करने के लिए हैं, बट बहुत सारे ट्विस्ट एंड टर्न्स हैं एक्चुअली, मतलब बहुत सारी अप्स एंड डाउन्स हैं। आप लोग देखिए एंड बताइए कैसा लगेगा। आज मैं शादी के जोड़े में इसलिए हूँ क्योंकि मुझे उनको राघव को बताना है कि हमारी शादी हो गई है और मैं तुम्हारी पत्नी हूँ, और ये मुझे उसको विश्वास दिलाने के लिए मुझे इस गेटअप में आना पड़ा, और कहीं ना कहीं हमारी आधी शादी हो गई है, अमावस की रात का वेट कर रही हूँ बस, जहाँ पे पूरी शादी हो जाएगी और जब मैं उसे अपनी दुनिया में लेके चली जाऊँ। मैं धीरे धीरे मेरी याददाश्त वापस आ रही है, और मैं देखता हूँ कि कालासुर तो मेरे सपनों में आया था, मुझे ऐसा लगता है कि मेरे सपनों में आया था, जबकि मैंने तो अच्छे से उसे रूबरू हो चुका हूँ बहुत बार। तो यही है कि वैदेही आई है, लेकिन वो आत्मा के रूप में आई है, इसलिए वो मुझे टच नहीं कर सकती, इसलिए मुझे बचा नहीं सकती, तो मेरी याददाश्त लकीली वापस आ रही है धीरे धीरे, तो मैं यहाँ से निकल जाऊँगा। हाँ अभी हमारा क्लाइमैक्स पे आ गया है शो, लास्ट 2 एपिसोड्स रह गए हैं, और अब नया है, हमने बहुत अच्छा प्लान किया है, जो फाइनल एपिसोड है वो आप देखिए, ऑडियंस को बहुत अच्छा लगा है ये शो, और जो हमारे मेकर्स हैं एकता कपूर और स्टार प्लस बालाजी टेल फिल्म्स, आई एम श्योर दे विल कंसीडर मेकिंग द सीक्वल। बस 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 शॉर्ट। मुंबई रफ्तार न्यूज़ की खबरें पसंद आने पर हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें।